वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोप लीग का डीएनडी के वर्सेस आर्सेनल के बीच 2 घंटे 17 मिनट बाद। एक में वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया, एक्चुअली मेरे को इस मैच में बहुत टाइम लग गया। ये जो एक मैच था सील वर्सेस एलआईएल के बीच, मतलब जब मैं इसको इसके बारे में काफ़ी कुछ सर्च कर रहा था उसमें मेरे को टाइम लग गया। तो मैंने सोचा भाई आगे के मैच तो होते रहेंगे लेकिन जो पहले उनकी वीडियो ज़रूर बना दी जाए। तो बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, आई थिंक मैंने शेड्यूल पोस्ट कर चुका हूँ मैं आपको, और आप देख सकते हैं नीचे दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो इसकी टीम आई थिंक मैं आपको ओपन में ना दे पाऊँ लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि एक आधी ओपन दूँ। मतलब मैं अभी वोट डलवाने वाला हूँ वोटिंग, क्योंकि मैं भी टीम सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि आप लोग खेल सकें दोस्तों और विन कर सकें। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ यार, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी? आई थिंक आर्सेनल जीतेगी, क्योंकि आर्सेनल को दो दो लीग्स का एक्सपीरियंस है, प्रीमियर लीग एंड ये वाली लीग भी। और बात करूँ गोलकीपर की, जी रॉगर्स ने अभी तक एक मैच खेला जो कि पिछला मैच हुआ था आर्सेनल के साथ इसी टीम का। तो यहाँ तो आप काफ़ी बच गए हो, यहाँ पे आपकी टाइम बहुत बच गया है, मतलब जो कि आपने पिछले स्टेटस निकालने थे वो आप बिल्कुल टाइम बच चुका है, जो लोग फुल वो करते हैं एनालाइज मेरी तरह। तो बात करूँ जी रॉगर्स को मैं इसलिए ले रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे भाई अब आप फिर इसको दोबारा ट्राई क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई अगर हम दोबारा ट्राई नहीं करेंगे ना तो कभी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक मैच को छोड़ दोगे ना भाई, पिछले में नहीं चला इसमें भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। कभी भी नोटिस कर लेना, जो प्लेयर पिछले में ना चला वो कहीं पर अगले में रॉक करता है, जैसे कि बी लैनो हो गया एंड काफ़ी बार अभी पिछले मैच में खेला था आर एल एक्स, लेकिन मैं मानता हूँ इसका जीएल में मेन रोल नहीं था, आई थिंक इस बार भी ना रहे। लेकिन स्मॉल लीग में यार आपको एक प्लेयर फालतू मिल रहा है, मतलब आर्सेनल के आप 7 प्लेयर ले सकते हो आगे से, मिड फील्डर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो क्यों यहाँ पे एक प्लेयर वेस्ट कर रहे हो? तो जी रॉगर्स इज बेस्ट। तो बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर ए मेटलैंड नाइल्स, जो कि ए मेटलैंड नाइल्स अभी तक टोटल इस लीग में 3 मैच खेले, वैसे तो ये बहुत खेल चुका है क्योंकि आर्सेनल का आए दिन ही मैच चलते रहते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से बात करना चाहूँगा इस ये वाला जो मैच होने वाला है, तो इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये जो प्लेयर है अगर देखो इनको क्लीन शीट मिलती है तो ये बंदा 60 पॉइंट या 70 भी दे देगा। अगर बाई चांस इनको कहीं क्लीन शीट में प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर ये हार जाते हैं या फिर गोल नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा आपको चांस रहेगा लॉस होने का। तो एक आधा डिफेंडर ज़रूर दूसरी टीम का उठा लेना, जैसे कि हो गया नीचे से हम आपको एक राय दे सकते हैं, जैसे कि हो गया ए बॉयल, जो कि इसकी सिलेक्शन भी ज़्यादा है। और आगे से बात करूँ सी शॉर्ट्स को मैं इसलिए ले रहा हूँ, इस बंदे का जीएल में पिछली बार मेन रोल है, पिछली बार नहीं लगातार 3 मैचेस में मेन रोल रहा है। तो मेन रोल किसको मिलता है? जो बंदा प्लेइंग 11 में टॉप करे, तो भाई इसने किया है टॉप। तो आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, एस मुस्तफ़ी की, पिछले मैच में नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, अगर आप वो देख रहे हो ना, अगर पिछले में नहीं चला तो ये भी देखो दोस्तों कि इसने इस वक्त क्या किया था, मतलब तहलका मचा देते हैं कभी भी कहीं भी प्लेयर्स। और बात करूँ मिडफील्डर की दोस्तों, इनके दो बहुत बड़े प्लेयर बिसाका विलियन, इन दोनों में से आज किसी की वापसी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ वापसी ना हो, क्योंकि भाई अगर आप मेरी ध्यान से बात सुनो, डीएनडीके को इन प्लेयर्स को संभालना आना चाहिए, क्योंकि डीएनडीके इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। आर्सेनल शुरू से टॉप पे रही है, अगर इस बार इस टीम अगर इसको डाउन करती है तो यार गलत है। इसलिए मुझे लगता है कि विलियन को रेस्ट दो, बिसाका को रेस्ट दो अच्छे अच्छे मैचेस के लिए, और मैं तो कहता हूँ भाई इसी को खिलाओ, जो कि है एन पैप भी हर लीग में चलता है, नोटिस करना कभी भी, प्रीमियर लीग का भी स्टेटस निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेयर भी रॉकिंग है भाइयों, बहुत ज़बरदस्त है ये। और आगे से बात करूँ जी फ्लॉस की, तो जी फ्लॉस को मैं इसलिए ले रहा हूँ, पिछले मैच में ये प्लेयर, ये आप देख सकते हैं ये था सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूशन अगर आप इतने रख दोगे तो बंदा कौन सा प्लेयर उठाएगा? इसलिए मैं आपको एक बात बोलूं, अभी के लिए ये वाला रखो, अगर ये नहीं खेलता तो मैं इसको ड्रॉप जरूर करूंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के भरोसे मत रहना कभी भी। अगर आप जीएल खेलते हो तो भरोसे रहो, लेकिन स्मॉल लीग में कभी मत रहना, क्योंकि भाई कई बार सब्स्टिट्यूट नहीं आते और लॉस हो जाता है। और आगे से बात करूँ जे विलॉक की, तो जे विलॉक प्रीवियस मैच में नहीं खेला था, इसकी वापसी इनको करनी चाहिए, क्योंकि विलॉक आर्सेनल का मेन प्लेयर है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि तो अगर ये इसकी जगह ये वाले प्लेयर खिलाएंगे ना, टी प्रेटे एम एलनी, ठीक है ये अच्छे हैं, लेकिन यार अगर मुकाबला तुम इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ करो जैसे कि जे विलॉग, तो ये उसके सामने कुछ नहीं है। तो मेरा मानना है कि आज इसकी वापसी कर देनी चाहिए। और आगे से बात करूँ सी शील्ड्स ने पिछला मैच खेला था, इसकी पोजीशन के कारण मैं इसको रख रहा हूँ। पोजीशन आप बोलोगे कौन सी पोजीशन, ये है कि ये बंदा अगर गोल होता है तो मेरे को 80% चांस है कि ये बंदा असिस्ट करेगा, अगर गोल होता है तो, इसकी गलती नहीं बोलूँगा अगर भाई हार, क्योंकि ये बंदा अगर कोशिश करता भी, अगर आगे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो ये अकेला क्या करेगा। तो आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लूंगा फर्स्ट प्लेयर मिशेल डफी इज अ नॉर्मल प्लेयर, पिछले मैच में यार इसका मेन रोल इसलिए था, इस बंदे ने ना 19 पासिस कंप्लीट किए थे, और इसने क्या किया था, इसने 3 बार चांस क्रिएट किया था, लेकिन चांस क्रिएट होना कहाँ से था, क्योंकि आगे कौन सी टीम है, आर्सेनल, तो थोड़ा डाउट हो गया था। तो आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, आर नेल्सन, जो कि यार पिछले मैच में सबसे बड़े मुझे प्रॉब्लम कहाँ आई, अब आपको भी आएगी देखना एक चीज़, आर नेल्सन इन नकेतिया एंड ऊपर से एक प्लेयर है जिसका नाम है एल लेकजेट,
काफ़ी लोग किसको चुनेंगे इस प्लेयर को जिसका नाम है ए लैकाजेट, लेकिन मैं उसकी जगह चुन रहा हूँ नेल्सन को, क्योंकि नेल्सन एक फॉर्म पकड़ चुका है। जो बंदा लगातार 3 मैचेस में 2 बार से गोल कर रहा हो और वो बंदा सॉरी 2 बार से असिस्ट कर रहा हो, तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है। अब देखो फर्स्ट मैच में इसने गोल किया था, उसमें इस बंदे ने 59 पॉइंट दिए। पिछले मैच में असिस्ट की थी तब भी 59 दिए। तभी तो कह रहा हूँ गाइस, गोल और असिस्ट का कुछ नहीं होता, बस बंदा खेलने वाला होना चाहिए। और आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, इसका नाम है एडी नकेतिया। एक्चुअली मैं इसको इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर से मैंने छोड़ दिया ए लैकाजेट, इन पे भरोसा है मुझे। तो बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा एन पेप एंड वाइस कैप्टन मेरा रहने वाला है ई नकेतिया, क्योंकि ये हर बार गोल करने की क्षमता है इसके अंदर। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय। अगली वीडियो भी जल्दी पोस्ट हो रही है तो लाइक करना मत भूलना।